दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme Narzo 30 Pro के बारे में। जैसा कि Realme से जुड़ी जानकारी पिछले दिनों सामने आई थी, जिससे पता चलता है कि टेक कंपनी Realme अपने Narzo सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके तहत Realme Narzo 30 को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों Realme कम्युनिटी वेबसाइट पर Realme Narzo 30 की रिटेल बॉक्स की फोटो को शेयर की गई थी। वहीं अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार इस सीरीज के Realme Narzo 30 Pro स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट टीना पे लिस्ट किया गया है। जैसा कि Realme Narzo 30 Pro को चाइना की सर्टिफिकेशन साइट टीना पे स्पॉट किया गया है, और इस बात की जानकारी एक वेबसाइट द्वारा दी गई है। Realme Narzo 30 Pro को टीना पे मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग में फोन की इमेज देखने को मिलता है, जहां पे Narzo 30 Pro की लुक और डिजाइन की जानकारी मिली है। साथ इस लिस्टिंग से फोन के मेन स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा हो चुका है। दोस्तों Realme Narzo 30 Pro की लुक और डिजाइन की बात करें, जो कि इस फोन को पंच होल डिजाइन के साथ पेश किया गया है। सेल्फी कैमरे के लिए पंच होल डिस्प्ले के ऊपरी बाएं कोने पे दी गई है। फोटो में डिस्प्ले के चारों किनारे पे नैरो बेजल देखने को मिलता है। वहीं फोन के बैक पैनल पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि ऊपरी दाएं ओर स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, जबकि फोन के बैक पैनल पे वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। वहीं फोन के दाएं पैनल पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब बात करें Realme Narzo 30 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि टीना लिस्टिंग के अनुसार इस फोन में 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही इस फोन का डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट से लेस होगा। इसके अलावा Realme Narzo 30 Pro Android 11 पे लिस्ट हुआ है, जो कि Realme UI पे काम करेगा। इस फोन में मिलने वाली प्रोसेसिंग की बात करें, जिसको लेके कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सर्टिफिकेशन साइट पे ये कहा गया है कि Realme का ये फोन 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर लीक की माने तो इस फोन में MediaTek Dimensity 700 या फिर 720 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कैमरे सेटअप की बात करें, तो इस फोन के बैक में 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप दिए जाएंगे, जिसमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करें इस फोन में मिलने वाली बैटरी और चार्जिंग को लेके। जैसा कि टीना लिस्टिंग से ये पता चलता है कि इस फोन में 4880 mAh की बैटरी दी जाएगी, साथ में 65 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों आपको बता दें कि Realme Narzo 30 सीरीज को इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि इस फोन को आने वाले कुछ दिनों में इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि इस फोन को मार्च तक के महीने में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्राइस की बात करें, तो इस फोन को इंडिया में 14 से लेकर 15,000 के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि कंपनी ने अभी तक इस फोन के ऑफिशियल फीचर और प्राइस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, तो ऐसे में आने वाले वीडियो में इस टॉपिक पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि Realme Narzo 30 सीरीज में Realme Narzo 30 और 30A स्मार्टफोन भी देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी Realme 8 और 8 Pro स्मार्टफोन को भी लॉन्च करने वाली है, तो ऐसे में Realme के काफी सारे स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसमें से अधिकांश स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इन सारे स्मार्टफोन को लेके आने वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप इस फोन को लेके कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जो बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।